एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, चैप्टर बहुत आसान है, आराम से इसको साथ साथ तुम लोग भी प्रैक्टिस करते जाओ तो बड़े इजी में हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ठीक है। तो ये बन गया x माइनस 1, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, वही सेम पैटर्न जो कल किया था, माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5। तो बन गया लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1, यहां पे हो गया x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 1 इंटू 2x माइनस 5। तो बन गया लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 2x माइनस 5 इंटू x माइनस 1। इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि इसी की वजह से डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है। कैंसिल करने के बाद में हम वैल्यू को पुट करेंगे तो बन गया 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 5 मतलब माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं साथ साथ, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कुछ समझाने समझाने लायक कोई चीज नहीं है, बस फैक्टराइज करो, कैंसिल करो, आंसर आ जाएगा। एक बार ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, लिमिट को पुट कर दो क्योंकि उसकी वजह से डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा, बस उसके बाद आंसर लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो सेकेंड नंबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 6, इसमें कॉमन लिया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस 1 एक्स माइनस 3। तो बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, इसमें कॉमन लिया एक्स एक्स माइनस 3 प्लस 2 एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो एक बार टर्म कैंसिल हो गया जिसकी वजह से डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है, तो बस क्या करोगे, एक्स वाली जो लिमिट वाली वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। तो बन गया 3 प्लस 2 और 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 5 अपॉन 10 मतलब बन गया 1 अपॉन 2, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका 1 अपॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। टॉपिक आसान है बट इसमें भी एक्सरसाइज बहुत सारे हैं, तो इसलिए थोड़ा हमको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। बाकी क्लासेस के कंपैरेटिवली हमारा सिलेबस अभी भी पीछे चल रहा है क्योंकि हमने काफी पीछे से स्टार्ट किया था सिलेबस करना। क्वेश्चन नंबर 7, पैटर्न वही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो जैसा डिनोमिनेटर का टर्म दिख रहा है उसी को देखते हुए एडजस्ट करना है, मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 माइनस एक्स है, ये 1 है, इसको लिखो 1 माइनस 1 माइनस एक्स, वही हो गया 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स। बन जाएगा लिमिट
एक्स टेंड्स टू जीरो। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो उसमें मुझे मैसेज कर सकता है इसमें, ठीक है। चैट का ऑप्शन इसलिए मैंने ओपन रखा है, तो कुछ अगर डाउट हो तो मैसेज कर सकते हो। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे वन का स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स रूट इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स। चल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स वन प्लस रूट ओवर वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स। ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया। हाँ, तो जो हमारे पास जो लास्ट स्टेप आया था मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7 का 1, ठीक है। थोड़ा सा फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो यहां बन गया था वन का स्क्वायर माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स, इतना हमने कर लिया था। तो दिस इक्वल टू बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वन माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स वन प्लस रूट ओवर वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स। ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स की जगह जीरो रख दो तो बन गया वन प्लस रूट ओवर वन माइनस जीरो, मतलब आंसर इसका हो गया, ठीक है। अब हम आ रहे हैं सेकंड वाले, इसमें इसमें भी सेम पैटर्न है, मतलब ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। तो बन जाएगा लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, देखो रूट ओवर टू प्लस एक्स माइनस रूट ओवर टू डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स को क्या लिख सकते हो टू प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है। यहां इसको हम लिख सकते हैं एक्स की जगह, ठीक है, एक्स की जगह हम लिख सकते हैं टू प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है, वही बन जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो रूट ओवर टू प्लस एक्स माइनस रूट ओवर टू, इसको लिखेंगे रूट ओवर टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, ठीक है। तो बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो रूट ओवर टू प्लस एक्स माइनस रूट टू, यहां बना रूट ओवर टू प्लस एक्स माइनस रूट टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी रूट ओवर टू प्लस एक्स प्लस रूट टू। ये ऊपर नीचे टर्म कैंसिल हो गया, एक्स टेंड्स टू जीरो पुट करेंगे तो टू प्लस जीरो प्लस रूट टू, मतलब आंसर हो गया वन अपॉन टू रूट टू, ठीक है। तो वन अपॉन टू रूट टू इसका सेकेंड का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके 4 क्वेश्चन है, उसके बाद 8th नंबर जो है इसके 6 क्वेश्चन है, उसके बाद 8th के भी 4 क्वेश्चन है। ये पूरा एक्सरसाइज हमारा आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो थोड़ा सा इसलिए जल्दी चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक मिनट बात वही करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था वैसे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 देख लो, यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब नहीं भी करते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स माइनस वन टू एक्स स्क्वायर
माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब x माइनस वन टेंड्स टू जीरो, ठीक है, मतलब क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू वन माइनस एच और एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, हो गया। तो x को किससे रिप्लेस करोगे, वन माइनस एच से, ठीक है, x को किससे रिप्लेस करोगे, वन माइनस एच से। तो लिमिट हो गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की जगह रखो वन माइनस एच, तो बन गया वन माइनस एच माइनस वन, टू इंटू वन माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस सेवन इंटू वन माइनस एच प्लस फाइव। तो ये वन वन कट गया, हमारे पास हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस एच, इसमें ब्रैकेट को ओपन करेंगे, वन माइनस टू एच प्लस एच स्क्वायर माइनस सेवन प्लस सेवन एच प्लस फाइव, ठीक है। तो फाइव प्लस टू हो गया सेवन, माइनस सेवन कट गया, तो बन गया लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच, यहां बनेगा माइनस फोर एच प्लस टू एच स्क्वायर प्लस सेवन एच, ठीक है। तो दिस इक्वल टू हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच, नीचे वाले में से h को कॉमन ले लो, बन गया एच स्क्वायर, ये कितना होगा टू एच स्क्वायर प्लस सेवन एच, तो h को कॉमन लिया, ये बन गया टू एच प्लस थ्री, ऊपर नीचे से h को कैंसिल कर दो, ठीक है। तो h टेंस टू जीरो, ठीक है, h टेंस टू जीरो, तो हमारे पास बनेगा माइनस वन अपॉन टू इंटू जीरो प्लस थ्री, मतलब आंसर हो गया हमारा माइनस वन अपॉन थ्री, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा लिमिट रहेगा, ठीक है, जो तुम्हारा लिमिट रहेगा, जैसे अगर x टेंड्स टू वन दिया है, मतलब x माइनस वन टेंड्स टू जीरो, ठीक है, तो डायरेक्टली क्या करोगे, x इक्वल टू वन माइनस एच, बस। उसी तरीके से जो सेकेंड इसमें जो दिया हुआ है, सेकेंड में है लिमिट x टेंड्स टू थ्री, इसका मतलब हो गया x माइनस थ्री टेंड्स टू जीरो, इसको इधर लाएंगे तो क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू थ्री माइनस एच, ठीक है। तो इसी तरीके से करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, नोट कर लो जरा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर सेवन का कौन सा था, फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर सेवन का फोर्थ नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास है, पैटर्न वही रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस थ्री एक्स माइनस रूट ओवर वन माइनस थ्री एक्स अपॉन x। तो इसको भी उसी तरह तुम लोग भी करते जाओ, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, देखो अगर हमने किया वन प्लस थ्री एक्स माइनस वन माइनस थ्री एक्स, देखो वन वन कट गया, क्या बन गया सिक्स एक्स, ठीक है, क्या बन जाएगा सिक्स एक्स, यहां पे क्या दिया हुआ x, तो मतलब वन अपॉन सिक्स इंटू लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो गया वन प्लस थ्री एक्स रूट ओवर वन माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाय वन अपॉन सिक्स वन प्लस थ्री एक्स माइनस वन माइनस थ्री एक्स, हो गया। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो रूट ओवर वन प्लस थ्री एक्स रूट ओवर वन माइनस थ्री एक्स, ठीक है, ये बन गया वन अपॉन सिक्स रूट ओवर वन प्लस थ्री एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर वन माइनस थ्री एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो रूट ओवर वन प्लस थ्री एक्स माइनस रूट ओवर वन माइनस थ्री एक्स वन अपॉन सिक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो मतलब रूट ओवर वन प्लस थ्री एक्स प्लस रूट ओवर वन माइनस थ्री एक्स मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर वन प्लस थ्री एक्स माइनस रूट ओवर वन माइनस थ्री एक्स। तो ये वाला टर्म ऊपर नीचे से कट गया, तो जिस टर्म की वजह से डिनोमिनेटर जीरो हो रहा था वो हमारा कैंसिल हो गया। अब वैल्यू को पुट करते हैं तो बनेगा सिक्स अपॉन रूट ओवर वन प्लस जीरो प्लस रूट ओवर वन माइनस जीरो सिक्स अपॉन टू, मतलब आंसर हो गया इसका थ्री। ठीक है, आंसर हो गया इसका थ्री। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में, सेम पैटर्न है बिल्कुल। लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, रूट ओवर थ्री एक्स माइनस टू माइनस रूट ओवर एक्स प्लस फोर। हाँ, रूट ओवर थ्री एक्स माइनस टू इंटू रूट ओवर एक्स प्लस फोर। अब देखो यहां पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब अभी तक तो क्या था, प्लस माइनस करके हमने लिख लिया, बट यहां पे प्लस माइनस करके लिखने से काम नहीं चलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सबसे अच्छा काम करते हैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं, क्योंकि x इक्वल टू थ्री अगर इसमें आता है तो बना नाइन माइनस टू हो गया रूट सेवन और थ्री प्लस फोर हो गया रूट सेवन। ठीक है, तो रूट सेवन माइनस रूट सेवन हो जाएगा जीरो। तो हमारा काम क्या रहेगा, डिनोमिनेटर के रूट वाले टर्म को रैशनलाइज करना। तो बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन रूट ओवर थ्री एक्स माइनस टू रूट ओवर एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर थ्री एक्स माइनस टू प्लस रूट ओवर एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय रूट ओवर थ्री एक्स माइनस टू प्लस रूट ओवर एक्स प्लस फोर। ठीक है, दिस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री रूट ओवर थ्री एक्स माइनस टू प्लस रूट ओवर एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय थ्री एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस फोर। हो गया, आई बात समझ में? मतलब ये जो रूट था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, दिस का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट का टर्म का। ठीक है, तो बन जाएगा ऊपर नीचे से एक्स माइनस थ्री हमारा यहां पे कैंसिल होगा। तो दिस इक्वल टू हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री रूट ओवर थ्री एक्स माइनस टू प्लस रूट ओवर एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय थ्री एक्स माइनस एक्स हो गया टू एक्स माइनस सिक्स। तो इसको लिख लेते हैं, 2x माइनस सिक्स को लिख दे रहा हूं मैं 2 इंटू एक्स माइनस थ्री, कैंसल हो गया। अब x की जगह 3 रख दो तो बनेगा 3 प्लस 3 रूट ओवर 9 माइनस 2 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 6 इंटू 2 रूट 7 अपॉन टू, तो आंसर हो गया हमारा 6√7। आंसर हो गया 6√7। ठीक है, ठीक है, तो आंसर इसका बन गया 6√7। ठीक है, अब हम आ रहे हैं इसी के नेक्स्ट वाले में, सिक्स नंबर तक तो हो गया हमारा, एक मिनट, ये फिफ्थ नंबर था। ठीक है, सिक्स नंबर इसके बाद आएगा, सिक्स नंबर भी सेम पैटर्न है।
ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लो आ जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख करके थोड़ा सा एक स्टेप लिखूंगा, उसके आगे तुम लोग अपना कर लेना। ठीक है, तो इसी का सिक्स्थ पैटर्न है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो रूट ओवर ए प्लस एक्स माइनस रूट एक्स रूट ओवर ए इंटू ए प्लस एक्स। ठीक है, अगर x टेंड्स टू जीरो पुट करते हो तो ये जीरो हो जाएगा, तो बन जाएगा लिमिट इक्वल टू न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो रूट ओवर ए प्लस एक्स माइनस रूट ए रूट ओवर ए प्लस एक्स प्लस रूट ए डिवाइडेड बाय एक्स रूट ओवर ए ए प्लस एक्स इंटू रूट ओवर ए प्लस एक्स प्लस रूट ए। ठीक है, तो न्यूमरेटर को अगर एक्सलाइज करेंगे तो रूट हट जाएगा, बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए प्लस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स रूट ओवर ए ए प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर ए प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। एक्स भी कट गया तो अब हम लिमिट को पुट कर देंगे, तो बना वन अपॉन कितना हो गया ए स्क्वायर, यहां पे बनेगा ए स्क्वायर मतलब ए रूट ओवर रूट ए प्लस रूट ए, यही बनना है, तो ए रूट ओवर ए प्लस जीरो प्लस रूट ए, तो बना वन अपॉन ए इंटू टू रूट ए। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो गया वन अपॉन टू ए की पावर थ्री बाय टू, और यही आंसर हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं था, रैशनलाइजेशन जो तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में किया है बस वही सब चीजें थी। ठीक है, 10 मिनट्स बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के 4 क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन अगर रह गया तो तुम लोग कर लेना, अगली क्लास में हम 13.2 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h 1 अपॉन रूट ओवर x प्लस h माइनस 1 अपॉन रूट x हो गया। h टेंड्स टू 0 यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करोगे यहां पे, पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा देखो इसमें, एक मिनट, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, यहां पे बना रूट एक्स प्लस h इंटू रूट एक्स, रैशनलाइज इसको एलसीएम लिया, रूट एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस एच, ये माइनस हो गया, इसको रैशनलाइज करो, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस एच रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस एच हो गया, तो इसके हिसाब से बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच, न्यूमरेटर में क्या हो गया रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट ओवर एक्स प्लस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स प्लस एच। ठीक है, तो देखो दिस इक्वल टू हो जाएगा लिमिट
एच टेंस टू जीरो, मतलब हमारा एम होगा एच को कैंसिल करना, वन अपॉन एच, ऊपर क्या बना एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एच, ठीक है ये रूट हट गया, एक्स एक्स कट गया, डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स इंटू रूट ओवर एक्स प्लस एच, एच एच भी कट गया, बना माइनस वन अपॉन रूट ओवर एक्स, एक्स प्लस जीरो वैसा ही हो गया जैसा पिछला क्वेश्चन था, रूट ओवर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस जीरो, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स बन गया एक्स इंटू टू रूट एक्स। इसको भी तुम चाहो तो इसी तरीके से आंसर छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको लिखेंगे माइनस वन अपॉन टू एक्स की पावर थ्री बाय टू, ठीक है, तो माइनस वन अपॉन टू एक्स की पावर थ्री बाय टू। अब आ जाओ सेम पैटर्न में है अगला क्वेश्चन, अगर एक दो क्वेश्चन अगर इसके रह भी गए तो वो तुम लोग कर लेना, अगली क्लास में हम लोग 13.2 को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, टू माइनस एक्स, रूट ओवर टू प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है। तो सेम पैटर्न रैशनलाइज कर लो, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, टू माइनस एक्स, रूट ओवर टू प्लस एक्स माइनस टू, रूट ओवर टू प्लस एक्स प्लस टू, रूट ओवर टू प्लस एक्स प्लस टू, तो बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, टू माइनस एक्स, टू प्लस एक्स माइनस टू, एक मिनट, डिनोमिनेटर तो बन जाएगा वैसे रूट ओवर टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय रूट टू प्लस रूट ओवर टू प्लस एक्स, तो बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, टू माइनस एक्स, यहां बना टू प्लस एक्स माइनस फोर, ठीक है, टू प्लस एक्स माइनस फोर मतलब टू प्लस एक्स माइनस फोर मतलब बन गया एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय रूट टू प्लस रूट ओवर टू प्लस एक्स, ठीक है, तो उसके बाद बन जाएगा तो इधर हो जाएगा माइनस ये हो गया माइनस माइनस ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू रूट ओवर टू रूट ओवर टू प्लस एक्स कैंसल हो गया, अब लिमिट को पुट कर दो तो माइनस रूट टू प्लस रूट ओवर टू प्लस टू मतलब माइनस ऑफ टू प्लस रूट टू, ठीक है, तो माइनस ऑफ टू प्लस रूट टू, तुम इसको चाहो तो इसको रैशनलाइज करके लिख लो, अदरवाइज इसको इसी फॉर्म में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे जो बुक दिया हुआ है तुम्हारा उसमें इसको रैशनलाइज करके लिख दिया है, ठीक है, तो अगर इसको हम रैशनलाइज करते हैं तो क्या बन जाएगा एक मिनट, हमारा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, एट का कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा,
पहला हो गया ना। चलो तो यहां पे हमारे पास हो जा रहा है, ठीक है, वो टू के ऊपर में रूट नहीं लगा हुआ था, यहां गलती से लगा लिया, तो बना टू प्लस टू, मतलब आंसर हो गया हमारा माइनस फोर। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया क्वेश्चन नंबर एट के सेकंड नंबर क्वेश्चन तक हो गया हमारा। थर्ड एंड फोर्थ नंबर तुम लोग कल कर लेना, और कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन होंगे। बट लिमिट्स जो है, पूरा लिमिट्स डेरिवेटिव बहुत स्कोरिंग है, आसान है, और इसका यूज जो रहेगा इसका ट्वेल्थ क्लास में भी आएगा, ट्वेल्थ में भी लिमिट और डेरिवेटिव है, तो इसका अभी से अच्छे से कर लोगे तो ट्वेल्थ में इसका बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो नोट करो जब तक हमारा टाइम बचा हुआ है।